बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार महागठबंधन में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। पिछले 2-3 हफ्तों से उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। उन्हें पहला मौका राजद के नाराज और अभी पार्टी में नोटिस पर चल रहे नेता सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर सतही हमलों के तीर चला कर दिया। उसी बहाने कुशवाहा ने राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार में जंगल राज की याद दिलाई, फिर मकर संक्रांति के अवसर पर अपने दही चूड़ा कार्यक्रम में कई भाजपा नेताओं को निमंत्रण दिया। उसके बाद राज्य में 2 उप मुख्यमंत्रियों का शिगोफा छोड़ा। इन सब चीजों को लेकर उनके लिए मीडिया में जो चर्चा चल रही है उस पर पूर्ण विराम लगाने के बजाय उन्होंने उसे हवा देकर खबरों में बने रहने को तरजीह दी है। ताजा मामला उनके नीतीश कुमार पर चलाए गए तंज के तीर से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार से उनके भाजपा में जाने की अटकलों के बीच दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के दौरान भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात के बारे में पूछा गया तो नीतीश कुमार ने बिना किसी लाग लपट के पार्टी में उनकी हैसियत बता दी। नीतीश ने क्या कहा आप भी सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा जी की नजदीकी बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया दे। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने सर, तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। नीतीश ने ये जरूर कहा कि यदि उन्हें मंत्री पद चाहिए तो मुझसे बात करते, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। नीतीश के इस बयान के जवाब में एम्स से इलाज करवाकर लौट रहे कुशवाहा ने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की कोशिश की। नीतीश कुमार पर सीधा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वो बीजेपी से उतना ही ज्यादा नजदीक है। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनकी पार्टी कैसे कई बार बीजेपी से अलग हुई और फिर बीजेपी से हाथ मिलाया। उन्होंने कहा कि पार्टी कमजोर हो गई है और मैं उसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूं। नीतीश और कुशवाहा के बयानों से साफ हो गया है कि जदयू में 2 फाड़ होना तय है। दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अपनी हर बात तौलकर बोलने वाले और हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाले नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से कुशवाहा पर कटाक्ष किया तो निश्चित रूप से वो हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंतित है। दरअसल नीतीश ने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की है। उन्हें मालूम है कि राजद से गठबंधन के बावजूद दोनों पार्टियों के बीच विश्वास की कमी है, लेकिन दोनों को फिलहाल एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए दोनों दलों के शीर्ष नेता एक दूसरे को खुश करने के लिए अपनी पार्टी के बड़े नेताओं तक को उनकी हैसियत बताने से नहीं चूक रहे हैं। कुशवाहा की नाराजगी की वजह जाहिरी तौर पर उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना है और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुने जाने की घोषणा करना है। लेकिन कुशवाहा कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्हें भी इस बात का एहसास है कि राजद उन्हें किसी भी कीमत पर उप मुख्यमंत्री का पद नहीं देगी। उनका असल मकसद बीजेपी के गठबंधन से निकलने की अपनी पिछली गलती को सुधारना है। उन्हें बीजेपी गठबंधन में वापस जाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की तलाश थी वो प्लेटफॉर्म शायद मिल चुका है। उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। वो सिर्फ जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनकर नहीं रहना चाहते, वो महागठबंधन में नंबर 2 या नंबर 3 बनकर भी नहीं रहना चाहते। वो किसी भी तरह तेजस्वी यादव से अपना कद छोटा करना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का जब जदयू के साथ विलय किया था तो इस उम्मीद के साथ किया था कि नीतीश उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन नीतीश का उत्तराधिकारी तो और कई लोग बनना चाहते थे, लेकिन सब ने अपनी अपनी राह ले ली है। दरअसल नीतीश के उत्तराधिकारी सिर्फ नीतीश ही हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुशवाहा ने भाजपा के साथ अपना रابطہ स्थापित कर लिया है। हालिया दिनों में छपी खबरों के मुताबिक उन्होंने भाजपा से बातचीत के चैनल खोल लिए हैं और बीजेपी के एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई है। वो पार्टी सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह से कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने से गैर यादव ओबीसी जातियां हतोत्साहित हो जाएंगी। यानी उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया है। उनका ये खेल उसी वक्त खराब हो सकता है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के हवाले करने के बाद केंद्र में कोई मंत्री पद देकर एक बार फिर यू टर्न मार लें।
बहरहाल भाजपा ने प्रदेश के कई बड़े नेताओं को राजद और जदयू के नाराज लोगों पर नजर रखने के लिए कहा है। इधर अचानक राजद और जदयू दोनों दलों के नेताओं की ओर से अजीबोगरीब बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे गठबंधन को किसी भी तरह से फायदा नहीं मिलने वाला है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बयान दे रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नफरत की जमीन पर हो रहा है। शिक्षा मंत्री और राजद नेता चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर विवादित बयान, फिर जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी का करबला वाला बयान, इन सब के बीच भाजपा उपेंद्र कुशवाहा और जगदानंद सिंह पर न केवल नर्व हो गई है, बल्कि पार्टी प्रवक्ताओं के ट्वीट से उनके समर्थन में संदेश भी जारी किए जा रहे हैं। दरअसल कुशवाहा अभी इन अफवाहों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन मौका मिलते ही वो जदयू और नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे सकते हैं। इसलिए नीतीश होशियार हो गए हैं और चाहते हैं कि जितनी जल्द हो कुशवाहा अपनी राह ले लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।